पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक है, तो 31 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ना एक कर्व है 9y² = x³ 9y² = x³ उस बिंदु पर भुज ज्ञात करना है कि उस बिंदु पर भुज ज्ञात करना है, ऑर्डिनेट फाइंड करना है। भुज होता है y, यानी कि x एंड y कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें x भुज होता है और y कोटि होता है, यानी x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस बिंदु पर भुज, यानी x ज्ञात करना। खींचा गया उस बिंदु पर भुज ज्ञात करो, खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। भुज ज्ञात करो जिस पर अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। ठीक है, उस बिंदु पर भुज ज्ञात करना है। भुज यानी x का मान फाइंड करना है। भुज क्या होता है? x होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करना है। भुज यानी कि x की वैल्यू अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, यानी कि ये एक अभिलंब है, एक x एक्सिस ये और y एक्सिस इधर कहीं होगी, तो बराबर अंतःखंड काटेगा दोनों से। तो उस अवस्था में x से भी वही अंतःखंड काटे और y से भी वही अंतःखंड काटे, तो x अक्ष की जो डिस्टेंस है वो भी वही हो और y अक्ष की भी वही हो, यानी कि इस अवस्था में अगर इसको आगे बढ़ाया जाए ये, तो ये एंगल भी वही होगा और ये एंगल भी वही होगा 45, क्योंकि ये बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है 45, तो ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर हो। ठीक है, यानी कि बराबर कोणों की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तब बराबर अंतःखंड होंगे। मान लिया हमने इसे ए मान लिया, ये ओरिजिन और ये बी, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर अंतःखंड है, अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। ठीक है, अब हम ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये अगर टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, आपस में 90 होगा, 90 45, तो ये एंगल भी 45 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल भी हमारा 45 हो गया। ये पॉइंट हमें ले लेंगे x1 एंड y1, वैल्यू फाइंड करनी है हमें x1 की। ठीक है, यानी x भुज का मान ज्ञात करना है, यानी x1 का मान ज्ञात करना है, x1 हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब आसानी से हो जाना चाहिए, dy/dx फाइंडिंग कर देते हैं। और जो एंगल्स हैं, ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45, यानी कि tan phi dy/dx रख के और इसके इक्वल आ जाएगा। ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन में ड्रा करते हैं x1 y1, तो यहाँ हो जाएगा 9y1² = x² इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये बिंदु इस कर्व से भी होकर जा रहे हैं, कर्व से पासिंग हो रहे हैं। अब इसका कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, y² का होगा 2y dy/dx एंड x³ का होगा 3x², तो यहाँ हो जाएगा dy/dx = 3x² / 9 × 2y। कट कर देंगे, कट करने के बाद बचता है ये x² / 3 × 6 6y। ठीक है, और dy/dx = x² / 6y। अगर इस पॉइंट की बात किया जाए x1 y1 पे, अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये x² / 6y1। इसको कहेंगे m बराबर होगा tan 45। m का मान tan 45 है, यानी कि 1 = हो जाएगा x² / 6y1। ठीक है, तो x1² = 6y1 आ चुका है। अब इनको सॉल्विंग कर लेंगे, है ना, x1² = 6y1 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम y का मान फाइंड कर लेंगे। जैसे एक समीकरण हमारी ये थी 9y1² = x1 की घात 3 समीकरण नंबर 1,